गुड डे गाइस, आज हम लोग वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लें कि वुड्स रिएक्शन में आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिएजेंट्स रिक्वायर्ड, सेकंड थिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वुड्स रिएक्शन, थर्ड थिंग हम लोग ये पढ़ेंगे कि बोनस पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या है वुड्स रिएक्शन में जो बोनस पॉइंट्स हैं। फिर वन एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम कंप्लीट मैकेनिज्म समझेंगे। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, IIT एडवांस, नीट के लिए सब कुछ। थर्ड जो होगा हम लोग पढ़ेंगे, वो दो चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा मैं आप लोगों को, आप अपनी लर्निंग स्किल्स लगाइएगा उसमें जो हमने आपको समझाया है, ठीक है। स्टार्ट करें, सबसे पहले ये देख लीजिए वुड्स रिएक्शन में जो रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला रिएजेंट जो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, जिसे हम क्या लिखते हैं, RX। R इसमें एल्काइल ग्रुप हो गया और X क्या है आपको मालूम है, हैलोजन। फिर हम लेते हैं सोडियम इन ड्राई ईथर और उसको लिखते कैसे हैं, Na/dry ether। अब हाउ टू रिकॉग्नाइज अ वुड्स रिएक्शन, कैसे मालूम पड़ता है ये वुड्स रिएक्शन है। सवाल ऐसे आएगा, RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर प्रोडक्ट बनाइए, तो घबराइएगा नहीं, ये वुड्स रिएक्शन है। कैसे करेंगे, जो रिएक्टेंट है आप उसको रिपीट कर दीजिए, RX + RX + 2Na। देखा आपने, X + X + 2Na आपस में जुड़ गया और क्या बन गया, 2NaX। और R और R आपस में जुड़ गया, क्या बन गया, RR। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3Cl + CH3Cl + 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनेगा, 2NaCl तो पहले बन गया, बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2Cl + 2Na क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, देखिए हमने क्या बनाया है, ClCl कंबाइंड किया सोडियम के साथ, 2NaCl निकल गया। अब कंपाउंड क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एक चीज नोटिस करने वाली है, RR जो बॉन्ड है वो वहीं से जुड़ेगा जहां से RX टूटेगा, यानी जहां से X छोड़ेगा R को, जो दूसरा R है वो वहीं से जुड़ेगा। काम करें, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ले रखी हैं, CH3Cl + 2Na + CH3CH2Cl। देखिए दोनों अल्काइल हैलाइड डिफरेंट हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2NaCl। सिंपल है ना, लेकिन इसमें कुछ और भी होगा। क्या होगा, आपको मालूम है CH3Cl और C2H5Cl दो रिएक्टेंट हैं, तो ऐसे इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो CH3Cl के, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने आप रिएक्ट करेगा आपस में, तो CH3Cl + 2Na + CH3Cl क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2NaCl, ठीक है। फिर C2H5Cl + 2Na + C2H5Cl क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2NaCl। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या बने, 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, CH3Cl + Na + CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या देगा, पहले देगा ऑब्वियस CH3CH2CH3, फिर देगा CH3Cl के साथ वाला CH3CH3, फिर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 + NaCl। NaCl को आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमको तीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले, लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये तीनों प्रोडक्ट्स एल्केन्स हैं, और एल्केन्स हैं तो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सेपरेट करना, इसीलिए रिएक्शन प्रोडक्टिव नहीं होता है, हम इस रिएक्शन को प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं बोनस पॉइंट, जो आपको याद करना है और हमने कहा था हम आपको बताएंगे। एक चीज देखिए, RX + RX अब जनरल हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ Na इन ड्राई ईथर क्या देगा, RR + 2NaX। द मिनिमम वैल्यू ऑफ R क्या हो सकती है, CH3। इसका मतलब है जो वुड्स रिएक्शन के समय जो मिनिमम एल्केन बनेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी मीथेन कभी नहीं बन सकता है, नेवर, ओके। सेकंड, हम सोडियम इन ड्राई ईथर या ड्राई ईथर की जगह THF ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या कुछ भी ले लीजिए आप इनर्ट सॉल्वेंट। क्यों लेते हैं, रीजन, जो ड्राई ईथर है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक का मतलब उसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं, यानी H+। अब जब प्रोटॉन नहीं होते हैं इसका मतलब है वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक चीज और है, जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो RX और जो एल्केन बनता है दोनों को डिसॉल्व कर लेता है और SN2 रिएक्शन फेवर करता है, हर चीज हमारे फेवर में है, इसीलिए हम एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अगर सोडियम को हम किसी प्रोटिक सॉल्वेंट से ले लें, यानी H2O C2H5OH के साथ, क्या होगा, सोडियम उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो हमारा जो काम वुड्स रिएक्शन में सोडियम करने वाला था वो करेगा ही नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, ये अच्छी चीज है, JEE एडवांस, JEE मेंस और नीट और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं सब में पूछते हैं। दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, पहली होती है आयनिक मैकेनिज्म, दूसरी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखिएगा, एविडेंसेस
साइंस में केमिस्ट्री में दोनों के फेवर में है। हम एक काम करें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लेते हैं। CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा सोडियम ब्रेक होगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में। क्यों? फर्स्ट ग्रुप में है, इलेक्ट्रॉन देगा सिर्फ। CH3Cl ब्रेक होगा CH3+ और Cl- में। सोडियम रिएक्ट करेगा Na+ रिएक्ट करेगा Cl- के साथ, क्या बनेगा? NaCl। CH3+ रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, देखिए, और क्या बनाएगा? CH3 फ्री रेडिकल। अब आपको मालूम है बहुत सारे CH3 फ्री रेडिकल होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। तो एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन। आसान है? बहुत आसान है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन से आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है? आपको क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जब CH3CH2Cl यानी C2H5Cl का क्या होता है? वुड्स रिएक्शन सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आप क्या करोगे? जैसे हमेशा करते हैं, जो मैक्सिमम बुक्स में मिलता है, आप बना दोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। लेकिन असली मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले सोडियम ब्रेक होगा Na+ इलेक्ट्रॉन में, और CH3CH2Cl ब्रेक होगा CH3CH2+ में, प्लस Cl- यानी कार्बोकेटायन। जो CH3CH2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? CH3CH2 फ्री रेडिकल। अब सबसे ऑब्वियस प्रोडक्ट क्या है? CH3CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH3CH2 फ्री रेडिकल क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सही है ना? आप सबने यही बनाया होगा। लेकिन याद रखिएगा, यही सब कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे किसके? CH3CH2 फ्री रेडिकल के, बहुत सारे होंगे ना, ठीक है? तो वो कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है? सबसे पहले क्या बनेगा? CH3CH2 फ्री रेडिकल टूटेगा। कैसे टूटेगा? जो CH3 है उसमें से एक H फ्री रेडिकल निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों CH2 के ऊपर लोन इलेक्ट्रॉन्स प्लस H फ्री रेडिकल जो किससे निकला है? CH3 से। जो लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग करेंगे और क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और क्या बन गई? इथिलीन। आप सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स बनता है, लेकिन यहां क्या बन गया? इथिलीन। याद रखिएगा, ये साइड प्रोडक्ट होता है और ये बनता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं केमिकल इंजीनियर हूं और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, ये वो नहीं है, ठीक? और क्या क्या होगा? जो एच फ्री रेडिकल निकला आपने देखा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा CH3CH2 फ्री रेडिकल के साथ। इसका मतलब CH3CH2 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इथेन बन गया। यानी कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल? थ्री प्रोडक्ट्स। क्या क्या बनेगा? सबसे पहले ऑब्वियस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 मेन प्रोडक्ट। फिर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 साइड प्रोडक्ट। फिर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बनेगा? ये भी साइड प्रोडक्ट है। यानी कुल मिला के CH3CH2Cl यानी C2H5Cl के वुड्स रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3, ठीक है? तो आज से जब भी आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो एक रिक्वेस्ट है, इसको मैकेनिज्म से ही कीजिएगा जैसे आपको समझाया गया है। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, हम आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या है? आपके सामने मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का सोडियम इन ड्राई ईथर यानी वुड्स रिएक्शन करिए। मेन प्रोडक्ट मैं बता दे रहा हूं आपको, आपके सामने है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और जो दिख रहा है आपको सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन उसके CH3 लगे हुए हैं, ठीक है? आपको पता लगाना है इसमें साइड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ठीक है? अब एक डिफरेंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो JEE और नीट के लिए बहुत आता है, मैं आपको देना चाह रहा हूं। आपके सामने कंपाउंड है, देखा आपने, साइक्लिक कंपाउंड है, और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? Cl और Br। सोडियम इन ड्राई ईथर के साथ क्या देगा? अक्सर बच्चे सोचते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड हम नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट चीज होती है, आपने देखा होगा अब तक जो पढ़ा हमने, Cl और Br को गायब कर दें। Cl और Br निकल जाते हैं और सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो Cl और Br निकालेंगे तो बीच में एक क्या बन जाएगा? बॉन्ड, जो आपके सामने कंपाउंड दिख रहा है, और NaCl और NaBr साइड प्रोडक्ट होंगे। ये तो ऑब्वियस प्रोडक्ट है। इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, इसी मॉलिक्यूल को रिपीट कर दीजिए। रिपीट करेंगे तो जो दो जगह Br लगे हैं और दो जगह Cl वो हट जाएंगे, और वहां के जो बॉन्ड्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बनेगा? दो Br रिएक्ट करेंगे दो सोडियम के साथ 2NaBr, और दो क्लोरीन रिएक्ट करेंगे दो सोडियम के साथ 2NaCl। क्या आप कर पाए ये क्वेश्चन? अगर कर पाए हैं तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और अगर नहीं कर पाए तो यार कम से कम हमने कोई नई चीज सीखी है आज, है ना। और सीखना ही जिंदगी है, आपको मालूम है। और ये क्या है, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेल अस इन द कॉमेंट्स बिलो व्हाट टॉपिक्स वुड यू लाइक टू सी मोर वीडियोज ऑन। पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू।